हाँ हेलो वेलकम वेलकम महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर विजय हाथा विन वर्चुअल क्लासेस सभी भैया बहनों का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को एक दो न्यूमेरिकल बताएंगे जो कि एच वर्मा की किताब से रिलेटेड है। सबसे पहले हम आप लोगों को रिमाइंड कर दें कि हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें बताया गया है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी जीरो इफ़ बॉडी इज़ अनएक्सेलरेटेड। और फिर दूसरा बात हम लोग सीखे हैं क्या इफ़ बॉडी इज एक्सेलरेटेड टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी मास टाइम एक्सेलरेशन। तो इसी बात को हम लोग बार बार देखते हैं। अभी तक जितना भी हम आप लोगों को बताए हैं सिर्फ यही बात बताए हैं या कहेंगे कि मैकेनिक्स में सिर्फ हम यही सीखेंगे कि टोटल फोर्स किसी बॉडी पर कितना लग रहा है। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो टोटल फोर्स जो होगा वह जीरो के बराबर हो जाएगा। टोटल फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, अगर हम लोग दो तीन चीज़ें देखें, स्ट्रिंग वाली क्वेश्चंस देखे हैं, इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो रिलेटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा बच्चे को समझने की कोशिश करना चाहिए जो समझ में आ जाए। हम क्वेश्चन एक बता रहे थे कि एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है ए मैन फॉलन इन ए डीच, एक आदमी जो है गड्ढा में गिर गया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में कहा गया है कि ये पर्सन या ए मैन फॉलन इन ए डीच, फॉलन इन ए इंटू ए डीच ऑफ विड्थ डी। एक डीच है, गड्ढा है, जिसमें वह क्या हो गया है, गिर गया है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, डी है। टू ऑफ इट्स फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट एज शोन इन फिगर। अभी हम फिगर बनाएंगे एज शोन इन सो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीजेज एज द मैन find the force when man is at depth h। ठीक है, इस क्वेश्चन को सब लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद में इसको रुक रुक कर लिख लीजिएगा। कहा गया है कि इसमें एक आदमी है और वो आदमी जो है एक यहाँ पर पहले कुआं बना हुआ है, इस तरह से एक कुआं है और इस कुआं में एक आदमी डूब गया है। ये कुआं में एक आदमी जो है इस तरह से गिरा पड़ा है और इसके हाथ को पकड़ के दो आदमी, एक पुली यहाँ लगा हुआ है, इस कुआं में पुली लगा हुआ है
दो आदमी इसके हाथ पकड़ करके इसके फ्रेंड्स जो हैं ऊपर की ओर खींच रहे हैं। इसका हाथ मान लो यहाँ पर, यहीं पर पकड़ करके ऐसे खींचा जा रहा है। इसके दो फ्रेंड इधर फोर्स एक लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है। दो फ्रेंड इसके खींच रहे हैं ऊपर की ओर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। इस पूरे कुएं की जो है चौड़ाई डी है और यहाँ से ये डेप्थ जो है एच है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है एच है। हमें फाइंड करना है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्सन बाय ईच फ्रेंड, फ्रेंड इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट, राइट, टू फ्रेंड्स विच ट्राई टू मूव अप, इसको ऊपर लगाने की कोशिश करता है। तो हमको फाइंड करना है फोर्स जब वह एच डेप्थ में है, यानी अभी ये ऊपर की ओर मूव नहीं कर रहा है, यानी अभी वो ऊपर चलने चलने की स्थिति में है, यानी एक्सेलरेशन अभी नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति में हमको फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये फोटो बना लेंगे सब लोग, गिवन है। इस चीज़ का एक हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एफ बी डी लिख देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। एफ बी डी फॉर मैन, ये मैन जो गिरा हुआ है नीचे, उसके हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कहते हैं कि इसका मास जो है एम है, एक यहाँ पर हम एम मास ले लिए, इसका मास कितना हो गया एम, नीचे की ओर फोर्स लग गया एम जी, ये तो लग ही जाएगा मास है एम, तो ये एम जी लग गया। और यहीं से दो फोर्स एक इधर जा रहा है और एक इस साइड में आ रहा है, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है, इधर जितना है उतना भी इधर है, ठीक है। इसके बाद इसको रिजॉल्व कर देंगे, एक ऊपर की ओर और एक इधर इस साइड में और दूसरा इस साइड में, एक्सिस हो गया, इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, ऊपर जो हुआ वाई हुआ, ठीक, नीचे मेरा वाई डैश हुआ। ये जूम करते हैं कि ये एंगल थीटा है, यह भी एंगल कितना है, थीटा है, चूँकि बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये एफ लगा रहा है तो इधर लग जाएगा कितना, एफ कॉस थीटा, इसको मिटा दीजिए, अब तो हम लोग लिख लिए हैं, ऊपर की ओर फोर्स लग जाएगा एफ कॉस थीटा। इसके वजह से अब इस साइड वाला भी एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, फिर और एक और एफ कॉस थीटा हो जाएगा, दो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एक इसके लिए एफ कॉस थीटा और एक इस साइड वाले के लिए एफ कॉस थीटा हो जाएगा, दो ठो एफ कॉस थीटा हो गया। और इस साइड जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा एफ साइन थीटा, इधर चूँकि 90 माइनस थीटा है, उसी तरह से इधर भी 90 माइनस थीटा है, इसलिए भी इधर कितना हो जाएगा, इधर भी एफ साइन थीटा हो जाएगा। चूँकि एफ साइन थीटा राइट साइड में है, एफ साइन थीटा इधर लेफ्ट साइड में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी हमारा जो बच गया एफ कॉस थीटा और पुनः एक एफ कॉस थीटा, यानी टू एफ कॉस थीटा बैलेंस किए हुए हैं एम जी को, यानी ऊपर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अगर जीरो है तो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन देख लेंगे कितना होगा, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसको मिटा देते हैं, आप लोग पॉज कर करके लिख लेंगे। चलिए अब हिसाब बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से हम देखे इतना हुआ, अब लिखेंगे फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज जीरो, सिंस एक्सेलरेशन इज जीरो देन therefore 2f cos theta is equal to, या यहाँ लिख दो माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, तो 2f cos theta is equal to mg, तो f cos theta f is equal to mg बटा 2 cos theta,
ये हो गया, पहली बात हो गई मेरा। अब करना क्या है, अब हमें कॉस थीटा का बल यहाँ से इसको हम डाल दिए इधर, इस साइड में डाल दिया, क्या परपेंडिकुलर डाल दिया, कॉस थीटा निकालना है। तो यहाँ से ये हाइट दिया हुआ है एच, एच दिया हुआ है टोटल, ये चौड़ाई दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है डी, तो हाफ कितना हो गया डी बाई टू। अगर हम इसको ओ मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये मेरा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें हाइपोटेनस निकालना है, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा जी, एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा जी, यहाँ हो जाएगा फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा फोर, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसको सम अप कर दिया, ओ ए का वैल्यू निकल गया, टू बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ओ ए इजकल टू हो जाएगा वन बाई टू रूट अंडर फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। हमें वैल्यू निकालना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो b मेरा कितना है जी, h है, यही मेरा b है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसलिए h क्या है, b है, तो यह हो गया h बाई हाइपोटेनस यानी ओ ए। तो ओ ए का वैल्यू हमको आया 1 बाई टू रूट अंडर फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना वैल्यू हो गया मेरा cos थीटा का। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, इसका काम समाप्त हो गया है। यानी लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा देख लो, ये हो जाएगा f इजकल टू एम जी बटा टू इंटू कॉस थीटा की जगह इतना लिखना है एच बटा वन बाई टू रूट अंडर फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा प्लेटनिया मारेगा, कितना हो जाएगा एम जी रूट अंडर रूट अंडर फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये उल्टा होकर आ जाएगा फिर यहीं पर टू इंटू टू एच, यानी इसका वैल्यू हो गया एफ इजकल टू एम जी रूट अंडर फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बटा फोर एच, दिस इज द आंसर, यही मेरा फोर्स का वैल्यू हुआ। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का यही तरीका है। हमने देखा एक्सेलरेशन जीरो है, तो टोटल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन फिगर बनाकर बताया थे इजकल टू जीरो हो गया, तो टू एफ कॉस थीटा इजकल टू एम जी हो गया, f इजकल टू एम जी बाई टू कॉस थीटा हो गया, उस फिगर से हमने कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिया, कॉस थीटा इजकल टू एच बाई वन बाई टू रूट अंडर फोर एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। फिर हम क्या किए, इस कॉस स्क्वायर को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए और इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो किसी भी चीज़ को मैथ बनाने के नियम है, बार बार बनाएंगे, हज़ार बार बनाएंगे नहीं, ये बनाने की चीज़ है, इसको बनाते रहेंगे। दूसरी बार है कि बिना प्रैक्टिस का, दिमाग में एक बात रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार न्यूमेरिकल हम बना लिए उसको छोड़ देंगे, तो वो आपको याद रहेगा
या पुनः परीक्षा में बनाएंगे तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं होता है। कम से कम एक हिसाब को 10 बार बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, हमेशा कॉपी में देखेंगे। ये नहीं कि एक्सरसाइज आज बना लिए एक ठो और फिर 10 महीने के बाद बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 बना, एक्सरसाइज 2 बनाए, उसके बाद पुनः 1 और 2 बनाएंगे, उसके बाद 3 बनाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ने का क्रम रहेगा तो हम लोगों का काम चलेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही है, यानी इस क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का थीम एक ही है कि अगर बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बॉडी में एक्सेलरेशन है नहीं तो उसका फोर्स जो होगा मास टाइम एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यही हम लोग देखते चले आ रहे हैं, ऐसे ही हम लोग बनाते भी हैं। चलिए क्वेश्चन है, एच सी वर्मा का ही क्वेश्चन नंबर है ये। एक क्वेश्चन है दूसरे वेराइटी का, जिसमें कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बनाया गया है इस तरह से। ये 90 डिग्री है, ये 5 cm दिया हुआ है, ये 4 cm दिया हुआ है, ये 3 cm दिया हुआ है। यहाँ पर एक पुली लगाया हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, दूसरा ब्लॉक यहाँ लगा हुआ है। इसका मास भी 1 kg बताया गया है, इसका भी मास 1 kg बताया गया। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यही क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कैसे बनाएंगे जी, क्या नियम है बनाने का, सोचिए। बनाने के नियम है कि सबसे पहले इसका नाम रख देंगे M1, रख दिया, इसका नाम रख दिया M2, ठीक है। और इसका एंगल हम बना देंगे, कहेंगे कि θ1 है, इसका एंगल कितना है, θ2 है, दोनों का एंगल अलग अलग है। अगर हम पूछें कि रियल में इसका एंगल कितना होगा, तो इस 4 के सामने का जो एंगल होता है इसका वैल्यू हो जाएगा, चूँकि 3, 4, 5 है नहीं, तो ये एंगल हो जाएगा 53, ये एंगल हो जाएगा 37। इस एंगल का θ1 का वैल्यू अगर हम मान लें तो ये हो जाएगा 53 डिग्री, और θ2 का वैल्यू हो जाएगा 37 डिग्री, क्योंकि 3, 4, 5 है। जहाँ 3, 4, 5 होता है उसकी एंगल इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, या हम लोग जानते हैं पहले से। फिर भी छोड़िए, हमें θ1 के टर्म निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक ही रस्सी है, इसलिए दोनों में टेंशन क्या होगा, टी ही होगा। अब हमारी मर्जी, जिस बच्चे जिस बॉडी को हम चाहेंगे उसको नीचे की ओर स्लाइड कराएंगे। अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब यह है कि जो हम जिसको माने थे उसका अपोजिट होगा। तो किसको निकालना है, किसको नीचे गिराएंगे जी, सबसे पहले देखते हैं कि इसी को नीचे की ओर कहा जाए कि एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, डाउनवर्ड में हो रहा है, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में FBD for M1 लिखेंगे, FBD for M1 के बारे में बात करते हैं। M1 के बारे में कैसे बात करेंगे जी, देखिए ये हो गया मेरा, ये θ1 हो गया, मास यहाँ M1 दिया हुआ है, टेंशन ऊपर T दिया हुआ है, नीचे जो लग रहा है M1G साइन θ1 कर देंगे, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। क्या इक्वेशन होगा, इक्वेशन होगा T-M1G sin θ1 दैट्स इक्वल टू M1A, हो गया। इसी तरह से इस M2 का देखेंगे, M2 में क्या देख रहे हैं जी, एक ब्लॉक है, इसे ये एंगल θ2 है, ठीक है, और इस पर एक ब्लॉक है, नाम है M2, नीचे की ओर फोर्स लग जाएगा M2G sin θ2, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा T, बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कैसे होगा, इक्वेशन क्या होगा जी इसका, बॉडी चूँकि नीचे जा रही है तो हो जाएगा M2G sin θ2 -T
that's equal to m2a. ये हो गया इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इसको फर्स्ट बना देंगे, इसको क्या करेंगे सेकंड बना देंगे। अब कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कहेंगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ टी है, जब जोड़ेंगे तो टी और टी क्या होगा कट जाएगा, तो कितना बचेगा एम टू जी साइन थीटा टू माइनस एम वन जी साइन थीटा वन इज इक्वल टू, ए कमन निकाल लो, एम वन प्लस एम टू हो गया। अब ए इजकल टू कितना होगा जी, ए इजकल टू हो जाएगा एम टू जी साइन थीटा टू माइनस एम वन जी साइन थीटा वन बटा एम वन प्लस एम टू, ठीक है इतना हो गया। अब सबका वैल्यू रख देंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए वन एम वन एम टू, तो एम वन कितना है 1 kg है, एम टू कितना है ये भी 1 kg है, तो वैल्यू रखिए ए इजकल टू एम टू के जगह कितना लिखेंगे 1 g साइन थीटा टू है, यहाँ थीटा टू कितना है जी, देखिए थीटा टू यह है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 3/5 नहीं 2 अगर है तो ये हो जाएगा 3/5 यह हो गया 3/5। अब चलिए थीटा 2 का वैल्यू यहाँ पर m यहीं पर 3/5 हो गया माइनस m1 कितना है 1 g हो गया साइन थीटा 1, ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय 4/5 यह हो गया 4/5। अब बट्टा यहाँ पर हो गया एक और एक जोड़ एक, यह हो गया 2, तो कैसे बनाएंगे जी इसको, तो आप मिटा दीजिए सब, आप लोग पॉज करके लिख लेंगे। तो यह हो गया ए इजकल टू ए जी हो गया सब में बाहर, यह 5 हो गया, 3-4 हो गया, अब बाय 2 हो गया, तो इसका आंसर आ गया, यहाँ देखो माइनस जी आ रहा है, माइनस जी बाई 10 हो जाएगा, यानी ए इजकल टू माइनस जी बाई 10 ये आंसर हो गया। माइनस क्या कर रहा है, माइनस का मतलब है कि हम लोग एम वन को इधर एम टू को जो डाउनवर्ड किए हैं, इसका मतलब है इस साइड वाला एम वन स्लाइड करेगा, नहीं नेगेटिव साइन सो अपोजिट डायरेक्शन ठीक है, यानी एम वन इज मूविंग डाउनवर्ड, इसका मतलब हो गया एम वन इज मूविंग डाउनवर्ड, यानी एम वन जो हम लोग ऊपर की ओर माने हैं ये क्या हो जाएगा नीचे की ओर है, लेकिन आंसर इतना ही होगा। That's all. इस तरह से हमने देखे, दो हिसाब बनाए, और दोनों हिसाब में हमने देखा क्या कि न्यूटन्स लॉ को अप्लाई किया गया है, नहीं इसको 1 by 1 करके लिख लेंगे, वीडियो को रुक रुक करके आप लोग नोट्स तैयार करते जाएंगे। देखिए कितने न्यूमेरिकल हमने बनाए, स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने बनाए, न्यूटन्स एक्सेलरेशन जब 0 उस समय बनाया, बॉडी एक्सेलरेट कर रही है उस समय का हमने बताया, हॉरिजॉन्टल टेंशन हमने बताया। इस तरह से आज की क्लासेस इतना ही होती है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। ओके थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।